हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी क्वेश्चंस के जो शिफ्ट वन और शिफ्ट टू में क्वेश्चंस किए गए हैं 28 दिसंबर 2020 को, और पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 100 डेज क्रैश कोर्स हमारा चल ही रहा था, जो कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमने जीए जीएस मैथ्स और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। अगर आपने इन सबको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आपको वहां से सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम लोग देखेंगे, यहां पर हम लोग केवल डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी मेमोरी बेस्ड जीए क्वेश्चन शिफ्ट वन एंड शिफ्ट टू जो 28 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, जीए क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था हु इज द हेड ऑफ डीआरडीओ। तो इसमें देखिए, हमें फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए डीआरडीओ का। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसके जो हेड है डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसके जो हेड है वो है जी सतीश रेड्डी। ठीक है, जी सतीश रेड्डी इसके हेड है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हु वॉज द वॉइसरॉय व्हेन वॉज बंगाल डिवाइडेड। तो देखिए, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, और उस समय जो हमारे लॉर्ड थे वो थे लॉर्ड कर्जन, और इन्हें ही ग्रेट डिवाइडर ऑफ बंगाल कहा जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क, यानी इंडिया के प्रथम नेशनल पार्क के बारे में यहाँ पर बात की गई है, और वो होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ये पहला था। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए जो, और ये उत्तराखंड में है, और ये जो क्वेश्चन है जो ज्योग्राफी में आपको पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर जो फ्लोरा एंड फाउना का वीडियो, उसमें मैंने कंप्लीट एनालिसिस करते हुए मैप के साथ बताया है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो चलिए आगे देखते हैं। सूरत इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर। तो ये ताप्ती नदी के किनारे है। जब मैं आपको प्रायद्वीपीय नदियों का पठार का वीडियो पढ़ा रहा था ज्योग्राफी में, ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो वहाँ पर मैंने सारी नदियों के सामने और स्थित शहरों के नाम भी बताए हैं, कौन सी नदी के सामने कौन सा शहर स्थित है। ठीक है, तो वहां से ये मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं व्हेन वाज सेकंड बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट। तो देखिए, सेकंड बैटल की बात की गई है यहाँ पर, और सेकंड बैटल था 1556 में फाइट किया गया था। और ये किसके किसके बीच फाइट किया गया था, देखिए अकबर एंड हेमू। हेमू को हेमचंद विक्रमादित्य, हेमचंद विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा आप लोग, ताकि गलत ना हो। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज कॉमनवेल्थ यूथ गेम हेल्ड। तो ये देखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बेलफास्ट नदर आयरलैंड में कंडक्ट किया गया था। उसके बाद पूछा गया था एनवायरनमेंट डे थीम। तो देखिए, अगर एनवायरनमेंट डे की बात करें तो मैंने एक वीडियो जो आपको बनाया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कराते समय मैंने आपको बताया था कि WHO UN ये सब कब बने थे, और कब कब, तीन पार्ट में वीडियो था, कब कब और किस डेट को क्या मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है। तो एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, तो ये पता होना चाहिए। 5 जून को हमारा मनाया जाता है, और इस बार की थीम थी टाइम फॉर नेचर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें तो वो है वेयर इज द गोबी डेजर्ट। तो अगर गोबी डेजर्ट की बात करें तो एकमात्र एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, और ये चीन और मंगोलिया के बीच में है। ठीक है, मैप अगर देखें तो मैप देख के आप इसको पता लगा सकते हैं। उसके बाद है बैंक ऑफ बड़ौदा इज मर्ज्ड विथ विच बैंक, ये पूछा गया है। तो देखिए, देना बैंक, विजया बैंक और बीओबी के साथ मर्ज किया गया। बीओबी का मतलब है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, एनपीएस के चलते मर्ज किया गया। तो उसके बाद हु वॉन द यूएस ओपन 2020, तो डोमिनिक थीम है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सीधे करंट अफेयर में पूछा गया। वन डे एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए, वॉट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा करंट अफेयर। उसके बाद यूनिट ऑफ डिस्टेंस की बात करते हैं, तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस देखिए क्या है, किलोमीटर हो गया, उसके बाद हो गया है लाइट ईयर है, फिर पार्सेक है, और उसके बाद माइल है। तो ये सारी चीजें हमारी यूनिट ऑफ डिस्टेंस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सब डिस्टेंस पे भी याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हुए वेयर इज हु इज करंट सीजीआई। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो जजेस की सीट है उसको बढ़ाकर 34 कर दिया गया है। ठीक है, इसको बढ़ा दिया गया, अभी रिसेंटली बढ़ाया गया है, तो इसको याद रखिएगा, नंबर भी याद रखिएगा, और ये हमारे एस ए बोबड़े यानी शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो अगर अर्थ की डेंसिटी की बात करें तो ये हो जाएगा, जब मैं आपको ज्योग्राफी में टॉपिक पढ़ा रहा था वहां मैंने आपको बताया था कि क्रस्ट, कोर और मेंटल और कोर, इन तीन चीजों में इसको डिवाइड किया गया, और सबकी अलग अलग डेंसिटी है। जैसे हम कोर में जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती जाती है। क्रस्ट की डेंसिटी की बात करें तो 2.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और मेंटल की बात करें तो 5.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और कोर की बात करें तो 13.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी। तो यहाँ पर एवरेज डेंसिटी की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है,
तो 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद व्हाट इज डेंसिटी ऑफ मून, 3.34 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये सब फैक्चुअल डाटा है तो इसको आप याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज सैडल पीक और सैडल हिल लोकेटेड, ठीक है। तो ये अंडमान और निकोबार आइलैंड में है, ये जब मैं ज्योग्राफी में आपको आइलैंड्स पढ़ा रहा था तो वहां पर ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, सारी चीजें वहां पर क्लियर कराई थी। अच्छा साथ में कुछ और चीजें हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि बैरन आइलैंड और नारकोंडम, बैरन और नारकोंडम दो वोल्केनोज हैं, ये भी कहाँ पर स्थित है, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि चीजों की लोकेशन पूछ रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है डिसीज कॉज्ड बाय वायरस। तो अगर वायरस से देखा जाए कौन कौन सी डिसीज कॉज्ड होती है, तो देखिए पोलियो हो गया, उसके बाद हम लोग अगर देखें तो हमारा HIV है, उसके बाद अगर देखें तो कोरोना वायरस है, उसके बाद अगर देखें हम लोग तो हेपेटाइटिस है, ठीक है, हेपेटाइटिस ए बी और सी। अभी ये चर्चा में था क्योंकि नोबेल प्राइज भी दिया गया इसके लिए, तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे तो आसानी से आप लोग इसको कर ले जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, देखिए ये बहुत ही फेमस डायलॉग है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। और ये किसने कहा था, आप सभी लोग जानते होंगे कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ये लाल बाल पाल फैक्शंस के एक नेता थे, और बाल गंगाधर तिलक जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, मॉडरेट नहीं थे, तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज चंद्रयान 2 लॉन्च्ड, तो देखिए अच्छा बीजी तिलक के बारे में बात और करें कि ये केसरी नाम का न्यूज़पेपर लिखते थे और मराठा महाराष्ट्र से थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हेन वाज चंद्रयान 2 लॉन्च्ड, तो चंद्रयान 2 के लॉन्च की डेट की बात की गई है, तो ये देखिए 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये डेट भी आप याद रखिएगा, 22 जुलाई 2019, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट कर जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, काफी हद तक सक्सेसफुल रहा था लेकिन पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं रहा, फिर भी इंडिया ने बहुत सारी चीजें अचीव की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन ऑपरेट्स अंडर विच आर्टिकल, तो देखिए आर्टिकल 324 से 329 और पार्ट 15 में किया गया, 324 में इसके गठन की बात की गई, 329 तक इस कैसे वर्क करेगा फंक्शन, ये सारी चीजें बात की गई, भाग 15 में इसका वर्णन दिया गया है, ठीक है। और उसके अलावा अन्य चीजों को भी देख लेते हैं कि अगर हम लोग बात करें कि हमारा UPSC, तो आर्टिकल 312 में UPSC का वर्णन किया गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि हमारा इमरजेंसी किस में दिया है, तो आर्टिकल 352, 356 और 360 में हमारे इमरजेंसी के प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग अमेंडमेंट की बात करें कि संशोधन किस में दिया गया है, तो अगर देखिए अमेंडमेंट की बात की गई है 368 में, और ये लिया गया था साउथ अफ्रीका से, अमेंडमेंट का ये जो शेड्यूल था। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, अच्छा सिटीजनशिप की अगर बात करें तो ये 5 से 11 में दिया गया है, तो ये सिटीजनशिप का मुद्दा अभी हाल ही में करंट में था, तो ये पता होना चाहिए। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन मास व्हेन यू ट्रेवल टू मून, तो देखिए मास रहता है, ये मैंने आपको फिजिक्स के लेक्चर में बताया कि एकदम कॉन्स्टेंट रहता है, कहीं भी आप जाए मास नेवर चेंजेस, ठीक है, वो हमारा वेट होता है जो चेंज करता है। तो अगर वेट की बात हम लोग मून पे करते तो वेट हमारा घटता बढ़ता है, अगर मून पे बात किया जाए तो मून पे वेट 1/6 हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो 1/6 होती है, इसलिए 1/g वेट ऑफ अर्थ हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया गया था, 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। डेज के बारे में मैंने आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बताया, उसने सारी चीजें बताया। उसके बाद हु इज द ऑथर ऑफ राज तरंगणी, तो ये कल्हण ने लिखा था, और ये देखिए कश्मीर के इतिहास के बारे में दिया है, उसमें सीधे करकट वंश और जो भी जितने भी वंश हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। 14वीं शताब्दी तक के सभी राजाओं का वर्णन यहाँ पर मिलता है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा गया था। उसका 25 क्वेश्चन है, इफ यू वेट ऑन अर्थ 60 kg, व्हाट विल बी योर वेट ऑन मून, तो देखिए मैंने आपसे जैसा पिछले कहा था वो क्वेश्चन आ भी गया, तो अगर 60 केजी की बात की जाए तो 1/6 मून पे हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1/6 × 60 = 10, ठीक है। तो ये 10 kg हमारा वेट हो जाएगा, सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मुकुर्ति नेशनल पार्क पूछा है कि मुकुर्ति नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो देखिए नीलगिरी तमिलनाडु में, देखिए तमिलनाडु में है, जो मैंने आपको फ्लोरा एंड फौना का वीडियो बनाया उसमें हर एक चीज है, ठीक है, फ्लोरा एंड फौना का वीडियो है, उसमें सारी चीजें दी हुई है नेशनल पार्क के बारे में, हर एक चीज मैंने उसमें बता रखा है, तो उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, फ्लोरा एंड फौना का जो उसमें हर एक चीज दी हुई है। उसके बाद देखते हैं वेर इज वुमेंस डे सेलिब्रेटेड, तो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद वेन इज ओजोन डे सेलिब्रेटेड, तो 16 सितंबर को ओजोन डे को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद व्हेन वॉज CPCB एस्टैब्लिश, देखिए कुछ चीजें यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि CPCB का फुल फॉर्म है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, और ये पोल्यूशन को नियंत्रित करने के काम आता है, ठीक है, और इसका गठन 1974 में किया गया था, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। कुछ और एक्ट्स हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं, शायद उनका ईयर पूछ ले, तो देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, यहाँ से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। ठीक है, कुछ एक्ट देख लेते हैं, इनसे भी पूछ सकते हैं, इनके ईयर पूछ सकते हैं क्योंकि आप देखिए। उसके बाद वाटर प्रिवेंशन पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, ये आया था 1974 में। उसके बाद अगर बात करें तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था वो 1986 में आया था। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया था, तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट हमारा आया था 2002 में। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट हमारा आया था 2002 में। और यहाँ से अगर देखा जाए तो सीपीसीबी का गठन वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974 के तहत किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइट ईयर इज एन यूनिट ऑफ डिस्टेंस, अभी जैसा पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया, लाइट ईयर इज एन यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और देखिए पार्सेक भी डिस्टेंस है, पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ज्ञानपीठ 2019 वॉर्ड अवार्डेड टू, तो ये किसको अवार्ड किया गया था, अकीतम अच्युतन नंबूतरी, मलयालम के एक पोएट थे, इनको किया गया था, केरला के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप याद रखिएगा। उसके बाद है रुक्मणी देवी अरुंडेल इज एसोसिएटेड विद विच डांस फॉर्म, तो ये भरतनाट्यम से हैं। और देखिए जब मैं आपको फोक डांस और क्लासिकल डांस पढ़ा रहा था, तो वहां पर मैंने हर एक क्लासिकल डांस को बताते समय कौन कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज, मिनिमम दो फेमस पर्सनैलिटीज हर एक डांस फॉर्म के साथ एसोसिएटेड मैंने आपको बताई है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा होगा तो प्लीज एग्जाम में जाने से पहले उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्लासिकल डांस फॉर्म में देखिए पर्सनैलिटीज से क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, मैंने उस टाइम बताया भी था आपको। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और क्लासिकल डांस छह प्रकार के होते हैं, ये सब मैंने वहां पर आपको बताया और हर एक पर्सनालिटीज के बारे में बताया। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और सारे फीचर्स भी मैंने आपको बताए, तो एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख लीजिएगा उसको। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हेन वाज ज्ञानपीठ अवार्ड गिवन टू अमिताभ घोष, तो देखिये यहाँ पर ज्ञानपीठ अवार्ड की बात कर रहा है। ठीक है, तो ज्ञानपीठ अवार्ड की अगर हम लोग बात करें कि अमिताभ घोष को कब दिया गया था, तो ज्ञानपीठ अवार्ड 2018 में दिया गया था। इस बार का भी आप लोग 2018 के बाद शायद अभी अवार्ड नहीं किया गया है, तो ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ यूरिया, तो NH2CONH2 हो जाता है। ठीक है, NH2CONH2 हो जाता है। और इसमें देखिए NHC और O चारों तत्व इसमें पाए जाते हैं, NHC और O। देखिए, और ये खाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पहला ऑर्गेनिक मटेरियल जिसको लैब में बनाया गया था वो यूरिया ही था। ठीक है, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो ये 94, 102 से घटकर इंडिया की रैंक 94 हो गई है। और देखिए दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तान बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान बांग्लादेश और नेपाल से भी ज्यादा बुरी भुखमरी की हालत है, तो इसमें थोड़ा सा लोचा लगता है क्योंकि पाकिस्तान से भुखमरी हालत तो भारत की नहीं है, पाकिस्तान तो भुखमरा ही है। उसके बाद विच स्टेट हैज लॉन्गेस्ट रिसोर्स, तो वो गुजरात है। ये मैंने आपको अपने पोर्ट्स वाले वीडियोस में कराए हैं, सारे 9 के 9 स्टेट्स के बारे में बताया, 9 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं 9 स्टेट्स कौन कौन से हैं जिनके साथ हमारी सीशोर लाइन बनती है, इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कोस्ट एरिया में गुजरात, और गुजरात के बाद जो अगला स्टेट है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में हमारी कोस्ट लाइन है। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद गोवा है, ठीक, गोवा है। गोवा के बाद कर्नाटक है, और कर्नाटक के बाद अगर देखा जाए तो केरला है। ठीक है, केरला के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद पुडुचेरी है। ठीक है, तमिलनाडु के बाद पुडुचेरी है, और पुडुचेरी के बाद हमारा ये यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश के बाद अगर देखा जाए तो हमारा उड़ीसा है, और उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल है। तो ये सारे 9 स्टेट्स हैं जिनसे कोस्ट बहती है। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिएगा, 13th मेजर पोर्ट वहां पर मैंने अपने वीडियो में बताया था कौन सा है। तो चलिए मैं स्टेट आपको बता देता हूँ कि महाराष्ट्र में बन रहा है, लेकिन आप कमेंट में बताइएगा कि ये कौन सा है, नाम इसका क्या है। महाराष्ट्र में बन रहा है, ठीक है, 13 मेजर पोर्ट, तो ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसको भी देख के जाइएगा। उसके बाद सेरिकल्चर इज एसोसिएटेड विद सिल्क कल्टिवेशन, और अगर देखा जाए हु इज सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश, जयराम ठाकुर। ठीक है, तो ये थे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, 28 दिसंबर 2020 में पूछे गए थे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और लाइक करने के बाद शेयर भी करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।